रायपुर के महर्षि वाल्मीकि वार्ड 32 के बूथ क्रमांक 7 में पुनर्मतदान हुआ। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। युवाओं का कहना था कि देश का विकास एक सिस्टम से होता है और उसी सिस्टम के तहत मतदान हो रहा है। इसके लिए यदि बार बार मतदान करने की स्थिति बने तो भी वे तैयार हैं। लोगों का कहना था कि ईमानदारी से काम करने पर वार्ड का विकास होना निश्चित है। इस वक्त हम मौजूद है मतदान क्रमांक बूथ में 399 में। यहाँ पुनः मतदान हो रहा है। 21 तारीख को मतदान हुआ था लेकिन मतदाता सूची में गड़बड़ी के कारण पुनः मतदान हो रहा है। फिर भी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों में उत्साह दिख रहा है। तो इस तरह यहाँ लोग मौजूद हैं, पुनः मतदान करने आए हैं। आज उनकी दूसरी बार मतदान है, देखते हैं उनका क्या प्रतिक्रिया है। आप मतदान किए थे पहले? हाँ, किया थे। आज आप मतदान करने आए, क्या सोच के मतदान करेंगे? अभी जो मन में है वही सोचेंगे। और भी लोग हैं यहाँ, जानते हैं आप मतदान करने आए हैं। कितने समय से हैं यहाँ पे? अभी हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट मतलब शांतिपूर्ण यहाँ मतदान हो रहा है जी। तो आप कल भी मतदान किए थे? आप 21 तारीख को? 21 तारीख को हुआ था। अच्छा, आप आए थे मतदान करने जी, आज फिर आए हैं? आज फिर आए हैं। अच्छा, क्या आप मतदान के प्रति इतना उत्साहित हैं? क्या आपके मन में है कि आप किस आधार पे आप मतदान करेंगे? मतलब जो विकास कार्य हैं, विकास के कोई भी पार्टी हो जैसे करे तो विकास ही करे। कौन कौन है मतदान यहाँ पे प्रत्याशी, कौन कौन है जानते हैं आप? भाजपा, बीजेपी, निर्दलीय, इनमें से? भाजपा है, बीजेपी है, निर्दलीय है। यहाँ पे कुछ युवा हैं उनसे ही जानते हैं, शायद पहली बार मतदान करने आए हैं। आप 21 तारीख को मतदान किए जी? हाँ। क्या सोचकर आप मतदान करने आए हैं, क्या आपके मन में है, जिस आधार पर आप प्रत्याशी को मत देंगे अपना? हमारे रायपुर को अच्छे से चलाएं, देश को, बस इसी कारण ही हम वोट देते हैं। आपका फर्स्ट टाइम है, क्या सोचते हैं आप मतदान करेंगे? क्षेत्र का विकास हो, हमारा भविष्य कभी हो, इसीलिए चुनाव करते हैं ना। युवाओं के लिए क्या सोचते हैं आप लोग? युवा हैं आप लोग की क्या ऐसी जरूरत है? पढ़ाई में हमारा विकास हो, उसमें हेल्प कर दे, और कुछ नहीं। तो अभी आपने सुना उन लोगों को जो 21 तारीख को मतदान किए हैं, लेकिन आज फिर पुनः मतदान में आपने वोट का एक एक मूल्य बताने या प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करने यहाँ पे मतदाता पहुँचे हैं। कैमरामैन चोला राम के साथ सत्यराजपुर, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।